हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आप सभी का एक ही टीचिंग क्लास में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का हो गया है तो आप उसको पढ़ने के लिए कलरफुल बुक ला के दीजिए। कलरफुल बुक से बच्चा का जो है इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ेगा, उससे तो बच्चा पढ़ना सीख जाएगा। ओरल बच्चा बहुत ही आसानी से कलरफुल बुक से पढ़ना सीख जाएगा, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो लिखने में बहुत सारे जो गार्जियन होते हैं, बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो डायरेक्ट ABCD लिखना स्टार्ट करवा देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बच्चा जब आपका शुरुआत कर रहा है पढ़ने के लिए, तो आप उसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग तौर पे पढ़ाइए। जैसे कि उसको बहुत सारे कलर्स दे दीजिए, खूब सारे कलर्स बच्चों को दे दीजिए और साथ में पेंसिल और इरेजर भी दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि बच्चा कलर्स से लिखे। कलर्स से क्या होगा कि उसका पकड़ने में ग्रिप भी बनेगा। बच्चे की जो हाथ होती है वो बिल्कुल छोटी छोटी होती है, तो जो ये जो मोटी ये इसकी जो देखिए मोटाई इसकी, बच्चे को पकड़ने में आसान होती है। पेंसिल की मोटाई थोड़ी कम होती है और इसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा, जो कलर होता है उसका थोड़ा सा मोटाई ज्यादा होता है और पेंसिल की मोटाई कम होती है, तो बच्चे को पकड़ने में ये नहीं बनता है। ये जो है बच्चे को बहुत ही आसानी से, जब बच्चा शुरुआत करता है ना फ्रेंड्स पढ़ने के लिए, तो वो जैसे तैसे पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे पकड़ के लिखेगा या फिर कैसे भी ऐसे करके, मतलब उसको अच्छे से पकड़ना नहीं आएगा। आप उसको अच्छे से पकड़ने के लिए पहले सिखाइए और ये जब मोटी रहेगी तो उसको पकड़ना भी आसानी से आ जाएगा। ये तो हो गई, और कलर से उसका इंटरेस्ट जागेगा। ये जो कलर है बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है कलर। बच्चों को स्टार्टिंग में आप कलर ला के दीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट ABCD मत पढ़ाइए। जैसे कि डायरेक्ट आप लिखने के लिए बच्चे को ABCD मत दे दीजिए कि बच्चा लिखो AB, ऐसा मत दीजिए फ्रेंड्स। ये बच्चे को पढ़ाने का बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है फ्रेंड्स, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। आपका बच्चा छोटा है, आप उसको पढ़ना लिखने के लिए सिखाना चाहती हैं, तो आप सबसे पहले कलर ला के दीजिए और प्लेन पेज दीजिए। उसको बिल्कुल प्लेन पेज दीजिए, है ना। प्लेन पेज पे आप उसको खेल खेल में बोली ऐसे करके लिखवाइए कि जो भी आपका बच्चा का नाम है, बाबू इस तरह से लिखो स्टैंडिंग लाइन। ये है स्टैंडिंग लाइन। पहले आप उसको बच्चे को पैटर्न सिखाइए, कुछ लाइंस होती हैं वो ड्रॉ करना सिखाइए। जैसे ये है स्टैंडिंग लाइन, तो स्टैंडिंग लाइन बना दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि प्लेन पेज में ही आप इस तरह से, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे के साथ, इस तरह से आप लाइंस को खींच लीजिए प्लेन पेज पे। इस तरह से प्लेन पेज पे लाइन को खींच लीजिए और बड़े बड़ी बॉक्स बना दीजिए। बच्चे को लिखने के लिए बड़ा बड़ा बॉक्स बना दीजिए इस तरह से। उसके बाद देखिएगा कि आपका बच्चा खेल खेल में बहुत ही आसानी से लिख देगा, और आप थोड़ा सा मेहनत आपको भी बच्चे के साथ करना पड़ेगा कि उसको बताइए कि ये है क्या, ये स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। आप बार बार रिपीट कीजिएगा ना, तो बच्चे के दिमाग में ये छप जाएगा कि ये है क्या, स्टैंडिंग लाइन। बेटा स्टैंडिंग लाइन बनाओ, तो वो बाकी के खंड में भी स्टैंडिंग लाइन बनाएगा। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, बच्चा बिल्कुल इजिली कलर पकड़ेगा और सीधा इस तरह से लाइन घिस देगा, है ना। आप ट्राई करके देखिएगा, आपका बच्चा बहुत ही खेल खेल में आराम से लिख लेगा स्टैंडिंग लाइन। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ में, स्टैंडिंग लाइन बोलने में, स्टैंडिंग लाइन,
ये कौन सी लाइन है बेटा? स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इसी तरह से पूरी पेज में आप उसको सिखाइए, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, कोई भी इसमें मतलब कोई सा भी वो नहीं है कि लाइन पे ही लिखना है ना। स्टैंडिंग लाइन बच्चा बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है ना, लेकिन बच्चा सीख जाएगा सीधी लाइन खींचने के लिए, बच्चा जो है सीख जाएगा इस तरह से सिखाने पे। ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडिंग लाइन। फिर दूसरा है, फिर पेज के दूसरी साइड में इसी तरह से आप पेज की दूसरी साइड में दूसरी लाइन सिखाइए, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। और फिर वापस उसी तरह से बॉक्स बना लीजिए आप पूरी पेज में। तो दूसरी पेज में भी इसी तरह से आप बॉक्स बना दीजिए और बच्चे को कहिए कि बेटा इस तरह से स्लीपिंग लाइन बनाओ, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। बच्चा ऐसे लिखते लिखते बच्चे को बहुत ही आसान पड़ेगा, ये सब जो पैटर्न्स है बच्चा बिल्कुल आसानी से खेल खेल में लिख देगा। और साथ साथ आप उसको बताते जाइए कि है क्या, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आपको बच्चे को ध्यान रखना है कि ए बी सी डी क ख ग 1-2 पढ़ाने से पहले ये कुछ पैटर्न्स बच्चे को आप बार बार रिपीट करवा के लिखवाते रहिए, बच्चा बिल्कुल खेल खेल में सीख जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि बच्चा बिल्कुल खेल खेल में ये सारी पैटर्न सीख जाएगा। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के बाद आता है स्लैंटिंग लाइन, यह है स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइन, स्लैंटिंग लाइन। उसी तरह से स्लैंटिंग लाइन की भी आप प्रैक्टिस करवाइए, इस तरह से बॉक्स बना के, इस तरह से बॉक्स बना के आप स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाइए, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ये लेफ्ट स्लैंटिंग है, राइट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, लेफ्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग। इस तरह से आपको स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइन, स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइन। बच्चा जिस भाषा में समझे आप कोशिश कीजिए कि आपको आप अपने बच्चे को उस भाषा में समझा सके। अगर बच्चा का माहौल नहीं है इंग्लिश पढ़ने का तो कोई बात नहीं, हिंदी में सिखा दीजिए। तिरछी लाइन है ना, दाहिनी तिरछी लाइन, बाईं तिरछी लाइन, तो स्लैंटिंग लाइन इंग्लिश में सिखा दीजिएगा तो अच्छा है। आपके आजकल के तो बच्चे हालांकि इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाते हैं। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, ये हो गया। उसके बाद बच्चे को सिखाइए ज़िगज़ैग लाइन। देखिए ये है ज़िगज़ैग लाइन। इस तरह से बच्चे को आप सिखाइए, बिल्कुल बच्चा आपका खेल खेल में सीख जाएगा। कलर दे दीजिए कलरफुल, है ना, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, कोई सा भी कलर दे दीजिए, बच्चा कलर लेके आराम से इस तरह से लिखता रहेगा। ज़िगज़ैग लाइन, ज़िगज़ैग लाइन, है ना, ज़िगज़ैग लाइन, बच्चा आराम से बनाएगा। ज़िगज़ैग लाइन, ज़िगज़ैग लाइन, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ऐसा तिरछा बना रहे हो कि कैसा बना रहे हो, बस बच्चे को बनाना सिखाइए। ज़िगज़ैग लाइन, ज़िगज़ैग लाइन, ज़िगज़ैग लाइन, इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गया लाइंस। अब आता है देखिए दूसरा कर्व, कर्व सिखाइए। जब बच्चा ये सीधा सीधा लाइन सीख जाए, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, जब बच्चा सीख जाएगा उसके बाद बच्चे को आप कर्व सिखाइए। ठीक है, इस तरह से लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व, इस तरह से लेफ्ट कर्व सिखाइए। वापस उसी तरह से बॉक्स बना दीजिए। और बच्चे को कर्व सिखाइए, कर्व, राइट कर्व, राइट कर्व, राइट कर्व,
फिर से राइट कर्व सिखाइए। राइट कर्व बच्चा सीख जाएगा, बड़ा भी लिख दे कोई बात नहीं, छोटा भी लिख दे कोई बात नहीं, लिखेगा तो, है ना। उसके बाद राइट कर्व के बाद लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, बच्चों के साथ बताना पड़ेगा कि ये है क्या, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, कर्व। लेफ्ट कर्व और राइट कर्व नहीं भी बताइएगा तो आप उसको सिखाइए ये कि ये है क्या कर्व, ठीक है। फिर अप कर्व, अप कर्व, अप कर्व, अप कर्व। उसके बाद डाउन कर्व, डाउन कर्व, डाउन कर्व, डाउन कर्व। अप कर्व, डाउन कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, ये सीख जाने के बच्चे, इसके सीखने के बाद बच्चे को आप सिखाइए सर्कल, सर्कल। इसी तरह से बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स बना के आप उसको कहिए लिखने के लिए। इस तरह से क्या होगा ना कि मोटा मोटी बच्चा आपका बॉक्स में लिखना जान जाएगा। ये तो किसी भी तरह का है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि कितना बड़ा और कितना छोटा लिखना है, लेकिन बच्चे के दिमाग में ये आ जाएगा कि ये इस बॉक्स में हमें लिखना है ना, ये बच्चे को दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद जब आप कॉपी में लिखाइएगा तो बच्चे को ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि हमें बॉक्स में लिखना है, बड़ा बॉक्स हो या छोटा बॉक्स हो, बॉक्स में लिखना है। तो सर्कल सिखाइए आप इस तरह से, सर्कल, 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 सर्कल। इस तरह से आप प्लेन पेज लाइए और प्लेन पेज में बच्चे को खेल खेल में सिखाइए, कॉपी वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। कॉपी में दीजिएगा तो आप भी इरिटेट हो जाइएगा कि मेरा बच्चा लाइन पे लिखता नहीं है, जैसे तैसे लिख देता है। तो बच्चे को इंटरेस्ट जगाना है पढ़ने के लिए, है ना, उस पर लादना नहीं है, थोपना नहीं है कि पढ़ो, बच्चा खुद ब खुद पढ़ने लगेगा आपका। कुछ इस तरह से खेल खेल में पढ़ाइएगा तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ाई करने लगेगा, उसका इंटरेस्ट खुद ब खुद जाग जाएगा पढ़ने में। तो ये तो हो गया पैटर्न्स की, पैटर्न्स। जब आपका बच्चा पैटर्न्स सीख जाता है, बच्चा जब पैटर्न्स अच्छी तरह से सीख जाता है, तब आप उसको प्लेन पेज पे ए लिखना सिखाइए। उसके बाद ए लिखना सिखाइए, कैसे कि बच्चे को तो लाइंस आपने सिखा दिया है, अब उसको बोलिए कि देखो बेटा ये है स्लैंटिंग लाइन, फिर ऊपर से एक और स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, फिर एक बीच में स्लिपिंग लाइन, ये बन गया हमारा ए। ए बी सी डी भी आप सेम उसी तरीके से सिखाइए जैसे आपने बच्चे को पैटर्न सिखाया, उसी तरह से आप ए बी सी डी सिखाइए। बच्चा आपका सीख जाएगा इस तरह से, देखिए स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, देन एक स्लिप, बीच में स्लिपिंग लाइन, बन गया ए। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ए, ए फॉर एप्पल। इस तरह से पढ़ाइए आप बच्चे को, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ए। हाँ, बच्चे के साथ थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। जब बच्चा आपका ए सीख जाए लिखने के लिए, फिर उसको बी सिखाइए कि स्टैंडिंग लाइन, एक हाफ कर्व, दूसरा हाफ कर्व, सॉरी ये थोड़ा सा गलत टाइप का लिखा गया मुझसे, ये देखिए बड़ा लिखने में अंदाजा नहीं मिलता, हालांकि बच्चे तो आराम से लिख लेंगे। बी, इस तरह से आप बच्चे को सिखाइए। बच्चा कैसे भी लिखे, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ही आपका बच्चा लिख ले, बस लिखना जान जाए कि ये ऐसे लिखाता है, बी, बी, खेल खेल में बी, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, दूसरा कर्व, बी, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, दूसरा कर्व, बी। इसी तरह से आप बच्चे को सिखाइए। से C
सी लिखना सिखाइए कि एक बड़ा कर बन गया सी, एक बड़ा कर बन गया सी। इस तरह से सी लिखना सिखाइए बच्चे को। फिर उसके बाद डी लिखना सिखाइए। जब आप बच्चे को पैटर्न सिखा देंगे ना, जब आपका बच्चा पैटर्न लिखने लगेगा पेज पे, तो ये ABCD बहुत ही इजीली आपका बच्चा सीख जाएगा। जब इस तरह से आपका बच्चा सीख जाएगा, उसके बाद ही आप बच्चे को कॉपी ला के दीजिए इस तरह की, है ना। उसके बाद देखिए, मैंने अपने वीडियो में ये सारे बना के भी रखे हैं कि बच्चे को एक एक करके कैसे सिखाना है। मैंने एक पेज में सिर्फ बच्चे को ए लिखना सिखाया है, फिर बी लिखना सिखाया है। आप भी इसी तरह से बच्चे को सिखा सकती हैं और आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो आई होप कि ये मेरा वीडियो आपके काम का हो फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जरूर प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट्स करके पूछिएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कैसा बता रही हूँ, आपके काम का है कि नहीं है, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं किस तरीके से बच्चे को पढ़ा रही हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक, मैं कल दूसरे वीडियो में मिलूंगी आपके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।